आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जारी की जाने वाली तिथि को लेकर झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा महज कुछ दिनों में होने वाली है, पर अब तक चुनाव आयोग का दौरा झारखंड में नहीं हुआ है। इसे लेकर जेएमएम ने चिंता जताई, साथ ही चुनाव आयोग के माध्यम से केंद्र की भाजपा पार्टी पर राजनीतिक प्रक्रिया व्यक्त की है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव घोषणा से पूर्व सभी राजनीतिक पार्टियों का राय लिया जाता है, पर अब तक झारखंड में चुनाव आयोग का दौरा नहीं हो पाया है। हमारी पार्टी की ओर से यह आग्रह होगा कि चुनाव आयोग की टीम का दौरा झारखंड में आने वाले 2-4 दिनों के अंदर तत्काल हो और लोकसभा चुनाव के विषय पर हमारी राय को भी लिया जाए। वहीं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप वर्मा की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता का कहना है कि झारखंड में एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से इनका पदार्पण हुआ है। जोहार साथियों, आप सब जानते ही हैं कि अब लोकसभा का चुनाव आगामी सप्ताह संभवतः उसकी औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग द्वारा हो जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र हमारे देश का है। इस जीवंत लोकतंत्र को जो आगे बढ़ाने का काम किया 1952 से, वो चुनाव आयोग रहा। चुनाव आयोग भारत की सबसे विश्वसनीय सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष कोई संवैधानिक संस्था है तो वो चुनाव आयोग। हम सब पूरी निष्ठा के साथ उनके द्वारा जो बताए कायदे कानून है, आचरण विधि है, उससे संचालित होते हैं। और ये एक परंपरा भी रहा है कि चुनाव आयोग प्रत्येक नागरिक को यह सुनिश्चित करता है कि वो दबाव मुक्त होकर, भय मुक्त होकर, लोभ मुक्त होकर अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें। चुनाव आयोग यह भी तय करता है कि कोई विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में एक तरफा कोई निर्णय नहीं आए, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अचंभित भी हूँ क्योंकि आज 9 तारीख है। पिछली बार जहाँ तक मुझे याद है 10 मार्च का वो तिथि था जब 14वां लोकसभा के गठन के लिए अधिसूचना जारी हुई। जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। उस समय राज्य में हमारी बहुत कम दिनों की सरकार थी, नहीं, भाजपा की सरकार थी। और उसके पूर्व फरवरी में चुनाव आयोग राज्य की राजधानी रांची आने का काम किया था। उन्होंने यहां पर आकर 2 दिन
का समय व्यतीत किया था। पहले दिन उन्होंने राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ और प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव में जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जिला निर्वाची पदाधिकारी हो, जिला के पुलिस कप्तान हो, उनके साथ बातचीत की थी। दूसरे दिन हम लोगों को भी बुलाया गया था और एक एक करके सभी इस राज्य के जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, माकपा, भाकपा के साथ साथ जो हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी, भाकपा माले, इनको भी बुलाया गया था और चुनाव के संबंध में उनसे राय ली गई थी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग तय करते हैं, लेकिन उसमें सहमति सभी स्टेक होल्डर्स की होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम भी एक स्टेक होल्डर, लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार वो परंपरा शायद कहीं छूट रही है और इसी चिंता से आपके माध्यम से चुनाव आयोग के संज्ञान में लाने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ।